हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू चेतना पे। दोस्त, अभी हम करने वाले हैं ओलीबोर्ड का मॉक लाइव टेस्ट जो होता है सैटरडे संडे को जो आता है, तो उसका हम अभी आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन क्या चीज़ का बताएंगे? मैथ का बताएंगे। मैथ में 25 क्वेश्चन, ये प्री का है तो 25 क्वेश्चन आता है, जो एक क्वेश्चन का वेटेज कितना 2 मार्क रहता है, तो उसको हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और भी अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा कुछ कुछ भी जिसको सीखने का मिलेगा वो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएगा। चलिए हम आपको ये बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस टेस्ट को दिया था तो मेरा स्कोर क्या रहा था? मेरा स्कोर था कितना? 155। मेरा स्कोर कितना था? 155.5। और इसके अंदर मैं बता दूं, सेक्शन बाय सेक्शन स्कोर मैं बता दूं, आप यहाँ पर आकर देख रहे होंगे, तो रीजनिंग में मैंने कितना, रीजनिंग में मैं कितना बनाया था, देखिए मैंने 24 क्वेश्चन बनाया था, 24 का 24 सही था, 48 मार्क आया। उसके बाद इसमें परसेंटेज आप देखेंगे इतना, और टॉपर का स्कोर ये है, हमारा स्कोर कितना है 48। टीए में हम 23 का अटेम्प्ट लेते हैं, 15 सही 8 गलत हो गया, 26 नंबर मुझे मिला है। और उसके बाद क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में कितना, 22 अटेम्प्ट किए, 44 स्कोर आया, 0 गलत हुआ है, 3 क्वेश्चन छूट गया था, थोड़ा सा नींद कम लिए थे और मॉक नींद में ही लगा रहे थे इसी के कारण। और इंग्लिश में आप देखेंगे 25 में 25 अटेम्प्ट लिए, उसमें क्या 20 सही हुआ, 5 गलत हुआ, 37.5 नंबर आया। मेरा इस इंग्लिश थोड़ा सा एवरेज है इसी के कारण। और ऐसे आप जब देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा किस लेवल क्वेश्चन में। देखिए, कोई भी क्वेश्चन मॉक में पूछता है, कहीं एग्जाम में पूछता है, तो कोई जान नहीं होती है। जान कहने का मतलब कि आप यदि रिदम में एक बार सीख लेते हैं कोई चीज़, तो आपको दोबारा उसको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। और जो स्टार मार्क के क्वेश्चन होता है, जो बुक, जो भी कोई बुक आप प्रीवियस फॉलो करते हैं, उसमें आपको जो स्टार क्वेश्चन लगाते हैं ना, डबल स्टार सिंगल स्टार, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की नीड नहीं होती। चलिए हम आपको सोल्यूशन करवाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। दोस्त नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये हमारा स्कोर रीजनिंग का था, रीजनिंग में देखिए कौन सा क्वेश्चन मेरा छूट गया था। ये क्वेश्चन मेरा था अच्छा मुतन, ये क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन छोड़े नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम का अभाव हो गया था, इसके कारण मैं छोड़े, तो मैं तो अटेम्प्ट ले लेता हूँ। चलिए हम आपको एक्चुअली में हम आपको जो बताने वाले क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक ईयरफोन है को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य 50% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25.5 की वृद्धि की जाती है तो 10% का लाभ होता है। तो आप ईयरफोन का क्रय मूल्य बताना है। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में एन ईयरफोन इज सोल्ड एट 20% लॉस इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50% एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹25.5 देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईयरफोन? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 20% की हानि हो रहा है, एक ईयरफोन को 20% का हानि होता है, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त? 1/5, 1/5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे आप एसपी, ये नीचे वाला हमारा सीपी हो जाता है और ये हमारा लॉस होता है। सीपी यदि 5 है, लॉस हो रहा है 1 का, तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एसपी। और इसमें इसके क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि। यदि हम एक्स यहाँ चिपका दे और यहाँ एक्स चिपका दे, 5x में कितना की वृद्धि की जाती है, 50% की, 50% की वृद्धि करने का मतलब 3/2। और उसके बाद विक्रय मूल्य में कितने की कमी वृद्धि की जाती है, 25.2 रुपया की, तो विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना कर दिए, 4x पहले था, ये ओरिजिन वाला वैल्यू 4x था, अभी हम इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं, 25.5। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कितने 4x, ये 4x हो गया, प्लस में 25.5 रुपया का वृद्धि हो रही है, इसके कारण क्या हो गया, मुझे 10% का लाभ हो गया। और यहाँ पर मुझे आप बताइए, ये आपका सीपी है और ये एसपी है, एसपी कब है, ये 10% लाभ होने के बाद है, तो 10% लाभ होने के इसके एसपी में सीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
10 बटे 11 करना पड़ेगा दोस्त, ये बात। अब दोनों को हम इक्वल कर देंगे, ये हमारा सीपी और ये सीपी, सीपी इक्वल कर दिए। अब जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब यहाँ से देखेंगे 5 से काट दिए 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा। और उसके बाद अब 3 2 2 4 11 13 33 एक्स, ये हमारा कितना आ जाएगा 33x बराबर 4 16x प्लस, और ये हो जाए 2 4 5 20 2 25 102 रुपया हो जाएगा। उधर कितना हो जाएगा 13 में से 6 हो गया 17x बराबर कितना हो जाएगा 102, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 6। अब 6 आ गया। अब पूछा है क्रैमूल, क्रैमूल पहले कितना था, आप यहाँ से देख पाएंगे तो कितना था क्रैमूल 5x, x का वैल्यू कितना 6 आया, 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा इसका। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे, एक लड़की, सबसे पहले आप इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए, अ गर्ल स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन अ कैब फ्रॉम आगरा टू लखनऊ एट 9:30 AM एट द रेट ऑफ 76 किलोमीटर प्रति आवर। इफ आगरा एंड लखनऊ इज 570.5 किलोमीटर अपार्ट एंड आफ्टर 5 hours द कैब रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा, देन एट व्हाट टाइम द गर्ल रीचेज लखनऊ। चलिए आप हिंदी में एक बार आप पढ़िए, आप जब आप हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो एक लड़की है पूर्वाहन, मतलब सुबह में 9:30 बजे आगरा से लखनऊ के लिए कैब से 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। यदि आगरा और लखनऊ के बीच में की दूरी इतना किलोमीटर है, 5 घंटे के बाद कैब की चाल इतना किलोमीटर कमी होती है, तो लड़की किस समय लखनऊ पहुँचती है, ये आपको पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फटाफट इसको बनाइए, देखिए आप इस पर देख पाएंगे क्वेश्चन को बनाने का, आपको हम फंडा बताते हैं। देखिए ये है हमारा आगरा, ये है आगरा और ये है हमारा लखनऊ, इसके बीच के डिस्टेंस कितना है 517.5 किलोमीटर। जब आप इसको देखेंगे कि अगर 9:30 बजे आगरा से ये स्टार्ट करते, कितने 9:30 बजे, और उसके बाद 76 किलोमीटर की चाल से करती है लखनऊ के बीच में, इतना 5 घंटे के बाद, 5 घंटे तक ये यात्रा किस यात्रा से करेंगे 76 किलोमीटर की रफ्तार से, ये यहाँ से यहाँ तक 5 घंटे मान लीजिए, आपको रंग थोड़ा सा चेंज, यहाँ से लेके 5 घंटे तक 76 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप साथ चल लिया, कितना दूरी तय कर लिया 56 35 75 33 38 380 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चल लिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 21 किलोमीटर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है प्रति घंटा। पहले यदि 76 किलोमीटर चल रहा था, इसमें 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा अभी का आ जाएगा। अब की बार यहाँ से जो स्टार्ट करेगा, अब की बार जो यहाँ से स्टार्ट करने वाला है तो डिस्टेंस, ये हमारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा के दूरी से यहाँ तक की दूरी तय करेगा। अब इसमें कितना समय लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा, अब यदि यहाँ 5 घंटे यहाँ से यहाँ 5 घंटा चल दिए तो 9 5 14 240 में हम यहाँ पहुँच चुके हैं, कितना 230 में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ 380 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, तो यहाँ से यहाँ 517 था, उसमें 380 घटाएंगे, 517 में से 380 किलोमीटर घटाएंगे 0.5, ये हमारा आ जाएगा 7 11 3 4 137.5 किलोमीटर। अब ये आपका जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक 137.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो किलोमीटर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, आप देखेंगे 137.5 डिस्टेंस है, स्पीड आपका 55 है, टाइम आपको निकालना है तो टी लिख दिए, 11 5 55 11 11 बढ़न 132 11 5 55 5 से 25 मरतबे जाएगा। अब
पॉइंट ये था 2.5, टाइम हमारे यहाँ से था कितना 2.5 आवर लग गया। अब इसमें पहले 2:30 बजे यहाँ आ गया था, उसमें 2.5 घंटा और जोड़ेंगे तो आधा घंटा जोड़ते 3 बज गया, 3 5 हो गया। ये 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। आप यहां पर देखेंगे, सॉरी, एक मिनट दोस्त, जस्ट वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। अब यहां पर आप जब देखेंगे, यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस कितना था, 517.5 किलोमीटर था, और यहां से जब 76 किलोमीटर अपने आपसे 5 घंटे चल दिया था 9:30 बजे, 5 घंटे यहां तक पहुंच गया था कितना में, 2 बजे पहुंच गया, 2:30 में यहां तक पहुंच गया था, यहां से यहां तक दूरी कितना 380 किलोमीटर तय कर लिया था। अब बोलेंगे जी सर कर लिया था, और उसके बाद 21 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से क्या कर रिड्यूस कर दिया ओरिजिनल स्पीड में, जब 21 किलोमीटर इसमें घटाएंगे तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अब चल रहा है। अब यहां से चलेगा यहां तक कितना 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जब तो 380 यहां तक चल दिया, 517.5 यहां तक था, तो आपका इस यहां से यहां तक दूरी कितना बच गया, 137.5 किलोमीटर यहां से यहां तक दूरी बच गया। तो आप यहां से देखे आएंगे तो यह आपका कितना गुना है, ये आपका 2.5 गुना है, कितना 2.5 गुना है। यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। तो यहां से यहां तक 2:30 बज गया था, इसको यहां तक आने में इसमें 2.5 घंटा और जोड़ देंगे, यहां हमारा पहुंचने लखनऊ पहुंचने में कितना 5 PM में पहुंच जाएंगे, आपका आंसर होगा 5 बजे वो लड़की पहुंच जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में पढ़िए, प्रभु स्कोर्ड 82 and 44 runs इन 12th and 13th innings respectively, if average of runs scored by him in 11 innings is 37, then what is the average of runs scored by him in all the 13 innings? फटाफट इसको पढ़िए, अब आपको पढ़ाएंगे हिंदी में। देखिए दोस्त क्या बोला है, प्रभु ने 12वीं और 13वीं पारी में क्रमशः 82 और 44 रन बनाए, यदि 11वीं पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 37 है तो सभी पारियों में भी 13 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। पता ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है क्या, तो मतलब टफ है, कितना हार्ड है, बन जाएगा ना। अब बोलेंगे जी जी सर बना ही लेंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे। अगर आप इस देख पाएंगे 12वीं पारी में कितना रन है, 82, 13वीं पारी में 44, टोटल 11वीं पारी की रन देखिए एवरेज औसत कितना होता है, एवरेज रन बराबर क्या होता है, एवरेज रन बना टोटल पारियों की संख्या ना औसत रन, टोटल औसत रन होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज रन, एवरेज रन कितना बटे इनिंग्स, ये इनिंग्स हो जाता है, ये एवरेज रन आता है। तो अगर हम टोटल रन निकालेंगे, अगर 11 पारियों का औसत कितना 37 है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल रन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ फटाफट बताओ, आप 11 × 37 कर देंगे तो आपका टोटल रन आ जाएगा। अब बोला है कि हमारा 13 पारियों का औसत बताना है, तो इसको हम 13 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फटाफट बताओ, बोलेंगे जी सर आ जाएगा। अब जब आप इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 77 11 33 47 407, और इधर हो गया हमारा कितना 4 2 6 8 4 12, इतना हो। आप इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, अच्छा 13 3 5 1 3 13 ये आ जाएगा। अब जब इसको काटेंगे तो 41 एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख पाएंगे बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलिए इसको आप नेक्स्ट करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यार के साथ, समझे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे चीज बताइए, कहीं किसी चीज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो ये भी बताइए। अब ये क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या को आप इंग्लिश में फटाफट, अ 2-digit number when divided by 5 exceeds by 8, the value obtained by dividing the number of by
फाइंड द नंबर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड में पढ़ते पढ़ते आंसर निकाल सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ, आपके पास तो उतना दिमाग है नहीं जो बता पाएंगे। देखिए दो अंकीय संख्या, एक दो अंकीय संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो कॉमा तो संख्या को 7 से विभाजित करने पर प्राप्त मान से 8 अधिक आता है, तो वह संख्या बताना है क्या है। आप दो अंकीय संख्या कैसे मानते हैं बच्चों, दोस्त बताना, दो अंकीय संख्या क्या होता है? आप ऐसे लिखेंगे 10x + y, दिस इज कॉल्ड टू अंक टू डिजिट नंबर, समझे। हेयर वी कैन डिफाइन दिस नंबर और यू कैन लेट दिस यू कैन टेक ए एंड बी टू डिजिट नंबर बाय डिवाइडेड बाय 5 एंड यू कैन ऑल्सो सॉरी पहले इसको आप लिखेंगे और ए एंड बी सेम द नंबर यू कैन डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज एक्सीडेड बाय 8। आपका ये हो गया, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने का, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि दो अंक की संख्या हम मान लिए ए और बी, ठीक है। ए और बी मानने का क्या कारण था, क्योंकि थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, समझे, इसलिए मान लिया, और इससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। कितना से एक्सीड कर गया, अब देख पा रहे हैं 8 साइड की। अब जब जैसे ही आप देखेंगे इसको आप तोड़ फाड़ करेंगे ना, तो आपको इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। जैसे इस एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35। अब बताओ दोस्त, अगर ये 35 इधर जाएगा उस नंबर अंक को जो छोड़ेगा, 35 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बताओ 35 का मल्टीपल आप कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? अब बोलेंगे सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है सर, तो आप इसको इस तरह से मार के आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बताओ, फटाफट बताओ, मजा आएगा दोस्त। और ये क्वेश्चन हमारा है, इफ कॉट ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड ए इज द एक्यूट एंगल द फाइंड द वैल्यू। अब त्रिकोणमिति का टेन ए इंटू क्या है नंबर हमारा, त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन यहाँ से है, इसका मान निकालना है। अब एक बात बताएंगे, कॉट ए बराबर क्या दिखा है, कॉट ए बराबर क्या लिखा है? अब बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा है। आप इस पे हम बताइए कॉसेक स्क्वायर माइनस ए लिखा है, ठीक है। अब मुझे पूछा क्या है, टेन ए इंटू कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। अब बोलेंगे जी सर लिखते हैं इसको, साइन को हम साइन ही लिखते हैं, ये हमारा टेन ए को कितना लिखते हैं साइन बाय, हम लिख सकते हैं कॉस, ये हो जाएगा 1 - sin² को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बटे साइन। अब ये देखेंगे ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, आपका मान कितना आ गया कॉस, आपका मान कितना आ गया कॉस आ गया। अब कॉस का वैल्यू क्या होगा आप देखते हैं। अब यहाँ पर यदि आपको पुट करेंगे थीटा का मान, यदि ए का मान थीटा मतलब ए बराबर 45 आप पुट कर पा रहे होंगे, तो यहाँ से इसका मान एक आ जाएगा, इसका दो में से गया एक, तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो कॉट कॉस 45 इक्वल टू व्हाट 1/√2, दिस इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे दोस्त। क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाना सीखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, इतना टाइम मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन आने में। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 5:2, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 7√58 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले आप बताएंगे यदि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको जब पूछा गया क्वेश्चन में, अब एक बार हिंदी भी पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्त जी सर, ठीक है। तब अब जब पूछ, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ते ही ना खत्म करने की कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको देखा कि लेंथ की लंबाई पूछा है, आयत की लंबाई पूछा है, तो लंबाई 5 है, 5 का मल्टीपल जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड डी में से कोई हो सकता है, तो आप फंस गए ना दोस्त, फंसने नहीं देंगे। अब जैसे ही 5 अब एक आयत होगा, एक आयत, आप ये मान लीजिए आपके पास एक आयत है, इसका ये 5 है और ये 2 है, और इसका लेंथ ये हो गया, और इसका कितना दिया है 7:58 दिया है। अब जब इसको देखेंगे 5 ये 2 है, तो 25 में से 4 कितना √29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
रूट 29 का वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, इतना, ये आप एक का वैल्यू के साथ रूट टू आ गया। अब बोलेंगे जी सर आप लेंथ पूछा था, लेंथ 5 था, इसको 5 से गुना कर दिए, 7 रूट टू, कितना आसान है। 35 रूट टू कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में? अब बोलेंगे जी सर दिख रहा है मुझे सी नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आप कहीं कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर 5 का मल्टीपल एक ही रहता है, तो आप कुछ आंख मूंद कर आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी टिक करके आप निकल जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझे। और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ऑप्शन से ही खत्म होते हैं। थोड़ा सा एसी को कम कर देते हैं, समझे दोस्त। अब इस क्वेश्चन में आप डीए देख पा रहे हैं, डीए तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि डीए इधर मिसमैच हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना गजब का है, अब देखेंगे ना तो शुरू में आप घबरा जाएंगे कि क्वेश्चन कितना भारी। सबसे पहले के 10 पदों का योग पूछ रखा है, आप बताइए एक -11 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर +... कहाँ तक, 10 पदों तक आपका योग निकालना है। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, -11 का स्क्वायर -12 का, इसको एक चादर में रखेंगे, एक कोष्ठ में रखेंगे, फिर इसको एक कोष्ठ में रखेंगे, फिर -13 को 14 को एक में रखेंगे, फिर इसको 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 इसी तरह से डॉट डॉट 10 पद तक चलेगा। अब फर्स्ट नंबर देखेंगे 11, 12 को पहले लिखने, पॉजिटिव वाला वैल्यू को पहले लिख लेंगे, माइनस को बाद में लिखेंगे, तो ये आपको दिखेगा a² - b² तो a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है दोस्त, a+b (a-b) क्या होता है, a-b इस फॉर्मेट पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ a² - b² चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप बोलेंगे जी सर चल रहा है, तो हम इसको क्या लिखे दोस्त, क्या लिखे बताओ, a-b कितना होगा, एक होगा, तो कोई रिकलिंग से कोई फायदा नहीं, तो a+b कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 13-14 कितना हो जाएगा, 27, माइनस प्लस है, इसी तरह से कितना हो जाएगा, 15-16 कितना हो जाएगा, 31, डॉट 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 कहाँ तक, 10th पद। अब यहाँ से आप बताए सम ऑफ एंड टर्म्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो SN बराबर क्या होता है बताइए, तो n/2 (2a+n-1)(n-1)(d) दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द समेशन ऑफ नंबर, समझे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, तो a बराबर कितना हो गया, n बराबर आप कितना हो गया, n बराबर 10 हो गया, a बराबर कितना हो गया, 23, a बराबर 23, और d बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में 4 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए फटाफट लगाकर, जब यहाँ पर पुट करेंगे n बराबर 10, तो यहाँ 10/2 कितना, 5 होगा, a 23 2 46 हो जाएगा, प्लस n-1 × कितना है, 10 में से 9 × d कितना, 4, यही तो आपका आंसर है, 5 × कितना हो जाएगा, 9 × 36 = 50 = 80, कहाँ फंस गया रे बाबू, 23 + 27 = 31 चल रहा है टर्म 10, पर यहाँ पर n बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि दो दो टर्म हम जो मिला दिए हैं ना, दो दो टर्म मिला दिए तो एक टर्म खत्म हो जाता है, तो n बराबर कितना का 5 होगा, तो 5/2 n बराबर आपको यहाँ पर सही करना पड़ेगा थोड़ा सा, सॉरी 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 जैसे हो गया, तो ये 9 × 36 = 36 और 9 × 36 = 46 कितना हो जाएगा, 6 × 52 = 82। ये इंटू में हो जाएगा 6 × 12 = 2 में 3 × 82 = 82, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 41 से। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसमैच रहेगा कि कैलकुलेशन गलती, आपको मैं एक बताता हूँ बेस्ट तरीका बताता हूँ, सूत्र का यूज फॉर्मूला का यूज करना ही नहीं है, समझे। कैसे नहीं यूज करेंगे सर, अब बोलेंगे कि -11 को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +14 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +18 का स्क्वायर -17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये प्लस में हम 19 का स्क्वायर
ग्यारह बारह तेरह चौदह सत्रह सोलह अठारह माइनस यहाँ से हम बीस बीस का स्क्वायर माइनस उन्नीस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फटाफट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा तेईस प्लस सत्ताईस प्लस इकतीस प्लस पैंतीस प्लस उनचालीस। अब जब इसको आपको जोड़ेंगे ना जोड़ने में कितना समय लगेगा बहुत कम समय लगेगा इसलिए आप फार्मूला आप जब लगाएंगे तो बहुत सारे टेक करेगा समय। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 155 155 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कोई दिक्कत हो रहा है बताओ तो? ये आपका डी है डी है आप खुद से देख लीजिएगा क्वेश्चन को और ये है दो अंकों की संख्या का अनुपात पहले फटाफट इंग्लिश में द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 4:3 एंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 12 एंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब जब आप भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे ना सबसे पहले तो ये चार अनुपात तीन में दो नंबर है और इसका एलसीएम कितना है एचसीएफ कितना बारह है तो ये कितना हो जाएगा नंबर बारह चौके अड़तालीस कितना हो जाएगा दोस्त बारह चौके अड़तालीस बारह दिए छत्तीस इसका एलसीएम कितना होगा आपको दिखेगा कि 144 ही इसका आंसर है एलसीएम। एक बार आपको इंग्लिश में हम दिखा दे पर हिंदी में पढ़ लीजिए फटाफट समझ में आ रहा है कि नहीं चंदन आ रहा है ना हाँ अभिषेक नहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः न सिखाई है न का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए न का रूल क्या था सम ऑफ नंबर जो न से कट जाएगा ना तो वो आपका न से कट जाएगा। अब काटिए पांच पर दस तीन तेरह आठ इक्कीस नहीं होगा नहीं होगा ये नंबर सात दो नौ नहीं होगा आठ आ गया सम डिजिटल सम अगर नौ से कट गया ना कोई भी नंबर न का भाग देकर तो कट जाता है और सात ठीक है सात तीन दस अठारह चार बजेगा नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर तो एक ही बचा भैया उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर किस तरह का लेवल क्वेश्चन है आप जब बताएंगे कि लाइव टेस्ट आता है तो उसमें नंबर क्यों नहीं आता है नंबर नहीं आने के कारण अगर इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में कभी नंबर नहीं आएगा। अब देखिए ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है क्या बनेगा चंदन क्या कर दे इसको देखिए दोस्त जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है इस तरह का क्वेश्चन में आपको आंख मूंद करके कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको करना क्या है ये थीटा और ये थीटा को जोड़ के बराबर 90 के इक्वल टू कर देना है। आपको बताएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाएंगे ना उसमें हम आपको बताएंगे जैसे इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4a प्लस 3a कितना 7a माइनस 225 बराबर 90 के करना है जैसे 90 इधर उठ जाएगा तो कितना होगा 7a बराबर कितना हो जाएगा 5 11 315 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 7 5 35 एक ए अल्फा बराबर कितना आएगा 45 डिग्री आ गया ठीक है। अब जैसे 45 डिग्री अल्फा बराबर आ गया तो यहाँ पर पुट करेंगे कॉट स्क्वायर 45 और 15 कितना होगा 60 तो कॉट 60 का मान आपको कितना होता है 1/√3 तो इसको 1/3 लिख सकते हैं ठीक है माइनस 45 टेन 45 1 ही होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 में 15 का 30 तो cos 30 का मान होता है √3/2 उसका होल स्क्वायर करेंगे 3/4 दिस इज योर आंसर। आप जब इसको काटा पीछी करेंगे एलसीएम लेके तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12। अब इतना आपको डिटेल में बताऊंगा नहीं मैं आपको खुद से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स आर फेल्ड देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास बताओ बच्चा बहुत ही भारी है सर डर लग रहा है डरना नहीं है देखिए डरेंगे नहीं कितना है क्वेश्चन को सेकंड में खत्म करना है। सबसे पहले उपस्थित होने वाले छात्रों में से 40 कौन सा है 40 कौन सा है बॉयज 40 है गर्ल्स कितना हो जाएगा 60 जिसमें 30% कौन है लड़का है
20% लड़का क्या है और फेल हो गया, तो परीक्षा में कितना पास वाला मुझे बताना है। तो यदि इसमें 30% लड़का फेल हो रहा है तो 70 पास होता होगा, और लड़कियां 20 फेल हो रहा था 80 पास कर रही होगी। का रेशियो ले काटिए, जब काटेंगे 0-0 से कट गया, तो ये 7 × 8 = 48 आ गया। अब पास वाला वैल्यू मेरे पास ये आएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 76 आ जाएगा। आपका परसेंटेज 76 हो गया पास होने का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट आप कैसे लिखते हैं, तो दोस्त मैं आपको शुरू में कितना मतलब 40-60 का 100 पर रेशियो लेके चले थे, इसीलिए डायरेक्ट इसको हम 76% लिखे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कितना जवाब है, इस तरह का क्वेश्चन बनाना सीखिए ताकि थोड़ा सा दिमाग आपका दौड़ होगा। चलिए क्वेश्चन है, x + 1 में x = 4 तो 52x - x / 6 = कितना होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x प्लस वन बाई एक्स बराबर फोर, क्योंकि क्वेश्चन में आप x क्यूब आप जब देखेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना आपको क्यूबिक फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। कैसे, इसको यहाँ से जब x क्यूब बाहर करेंगे ये कितना आ गया 52 माइनस एक्स क्यूब आ गया, बोलेंगे जी सर आ गया। अब जब इसको आप क्यूब कीजिए, इसको क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, अब इसको दोनों से बहुत सारे क्या कीजिए, क्यूब कीजिए, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू और ये हो जाएगा वन बाई एक्स क्यू बराबर 64 - 12, ये 52 हो गया, समझे। अब आपको करना क्या है, 52 इस एक्स क्यू को उधर ले जाना है, तो ये 1/x³ इक्वल टू हो जाएगा 52 - x³ हो गया, ये हो गया हमारा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 52 - x³ का वैल्यू कितना कितना आ गया 1/x³, यहाँ पर पहले से ये मौजूद था, ये कैंसिल आउट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी एक आंसर आ जाएगा, समझे। कितना आसान था, सिर्फ अरेंज करना था क्वेश्चन को, कुछ जो पूछ रहा है उसका अरेंज कीजिए, कुछ इसको जो सॉल्यूशन गिवन दिया है उसमें उसको अरेंज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही जवाब है। देखिए इस क्वेश्चन किस तरह करेंगे, 3a² + b² ² - 2a² - b² ² तो a² b² का गुणांक पूछ रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, आप कैसे करेंगे, आपको फोकस करना है a² और b² वाले टर्म पे, इधर उधर दूसरे पे कोई मतलब नहीं है। जब आप इस को फोकस करेंगे, अब a² + b² है, a² + b² ² तो a² b² कैसा टर्म बनेगा, जब 2ab इसको लिखेंगे 2ab क्या होगा, इसमें जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर करेंगे, तो a की जगह पर 3a² है, b के जगह पर कितना है b² है, तो b² कर दिए। फिर माइनस वाला टर्म में माइनस होता है तो माइनस माइनस गुना होकर ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 तो ये फॉर्मूला वाला आ जाएगा, हमारा a के जगह पर कितना आएगा 2a² आ जाएगा, और b के जगह पर हमारा कितना आ जाएगा b² आ जाएगा, b² आ गया, ठीक है दोस्त। अब 3 × 6 a² b² कितना हो जाएगा 6a² b² प्लस 2 × 4 a² b² आप पूरे को जोड़ेंगे तो 10a² b² सारा का सारा आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, जो पूछेगा गुणांक फैक्टर कोफिशिएंट जो भी पूछे उस पे फोकस करके फटाफट निकाल देना। तो आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों 10, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझे, थोड़ा सा प्यास लग रहा है मुझे, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कितना क्वेश्चन, दी गई आकृति में एडी व्यास है, तो एक्स का मान बताना है, ये आप देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या है हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज, ये हमारा क्या हो गया एडी हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया व्यास हो गया, फिर यहाँ से इस तरह से मिला दिया गया, इस तरह से मिला दिया गया और इस तरह से मिला दिया और इसको इस तरह से मिला दिया, ये हमारा हो गया बी और ये हो गया सी। यदि इसका 100 डिग्री मान दे दिया गया है 100 दे गया, तो आपको बताना है इसका मान, किसका मान, इसका मान।
अब हमें बताइए चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो यदि आपका यह 100 है तो यह हमारा 80 हो जाएगा। अब बताइए एडी व्यास है अर्धवृत्त पर, व्यास अर्धवृत्त व्यास के द्वारा बनाया गया कोण अर्धवृत्त पर 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 80 हो गया, तो ये कितना होगा 10 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का तीनों कोणों का योग 180 होता है, समझ गए। 10 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन को देखेंगे आप, 3 सेंटीमीटर √6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु गोलक से अधिकतम आकार का एक घन बनाया जाता है, तो घन का आयतन वॉल्यूम पूछा है। एक गोला आप लिख लीजिए, गोला ले लीजिए, बोलेंगे ले लिए सर, के अंदर आप एक घन बना दिया मैक्सिमम साइज का, ठीक है। अब आप इसका यदि रेडियस दिया है, अब इसको यहाँ से यहाँ व्यास हम गोला के बना देंगे यहाँ से यहाँ मिलाकर, तो ये आपका रेडियस दिया हुआ था, इसका व्यास क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 6√6 हो जाएगा। अब बोलेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, अब जो गोला का व्यास है वही तो डायगोनल है घन का। अब बोलेंगे यस सर, घन का विकर्ण क्या होता है √3a, इसके बराबर √3a कर देंगे, √3 2 √6, ये a बराबर 6√2 आ गया। अब घन का आयतन पूछा है, जब भुजा निकल गया तो कोई दिक्कत है निकालने में, घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 6 का क्यूब कितना 216, और 2 का क्यूब 2√2, तो 216 × 32 √2, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पाइप एस टैंक को 63 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप टी 126 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप एस 21 मिनट के लिए खोला गया, उसके बाद पाइप टी को भी 14 मिनट के लिए खोला गया, तो टैंक का कितना हिस्सा भर गया। सबसे पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चों पढ़ लो, पाइप एस कैन फिल द टैंक इन 63 मिनट व्हाइल पाइप टी कैन एम्प्टी द टैंक इन 126 मिनट, पाइप एस ओपेंड फॉर 21 मिनट एंड आफ्टर दैट पाइप टी ऑल्सो ओपेंड फॉर 14 मिनट्स, देन व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। अब देखते हैं थोड़ा हिंदी में, मैं तो भाई देखो दोस्त, अब यहाँ पर सबसे पहले आप बताएंगे एस टैंक जो है कितने 63 मिनट में फिल कर रहे हैं, और टी टैंक कितना 126 मिनट में खाली कर रहा है, खाली वाला को माइनस डिनेट करते हैं, और दोनों के एलसीएम लेंगे तो 126 का एफिशिएंसी कितना आएगा 2 का माइनस का 1, ठीक है। अब 21 मिनट के लिए एस को खोला जाता है, तो 21 मिनट में दो, एक मिनट में अगर दो काम कर रहा है तो 21 मिनट में एस 42 काम कर दिया। अब उसके बाद टी को भी खोला गया, एस तो चल ही रहा है भैया, और बोला कि हम टी को भी खोल दिए, तो यदि 14 मिनट के लिए खोला गया, कितने देर के लिए 14 मिनट के लिए टी को भी खोला गया, तो एस और टी जब दोनों साथ में काम कर रहा है एक काम कर रहा है, क्योंकि दो जब एस कर रहा है तो एक खाली कर रहा है, तो हमारा काम एक्चुअल में कितना हो रहा है एक का हो रहा है, 14 मिनट में कितना काम हुआ 14 काम, तो 42 पहले 14 अभी कितना हो जाएगा 56 काम। बोला गया टैंक का कितना हिस्सा भरेगा, अब कितना भरा 56, कितना में 126 में, अब काटेंगे 7 8 56 14 4 56 14 9 126 4/9 आपका भर रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर बी ना फील हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता, आप यदि एक बार दिमाग लगा देंगे ना तो क्वेश्चन को बनना तय है, निश्चित रूप से बनेगा। इंग्लिश में पढ़िए, अ बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 9/5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर। देखियो एक नौधारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, और धारा के अनुकूल 9/5 घंटे में उसी दूरी को तय करता है, तो आप बताना है बोट का चाल बताना है कितना होगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे तो कैसे बनाना है, धारा देखिए नौधारा का प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई, ठीक है, बी माइनस वाटर लिखते हैं हम, कितना
36 किलोमीटर दूरी तय करे तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का अनुकूल मतलब बी प्लस डब्लू 9/5 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी, तो ये आ जाएगा 20। मुझे पूछा कि स्थिर जल में 9 की चाल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे दो से, तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्त कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए मेंटली आप कोशिश कीजिए करने के, जब आप मेंटली धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा क्वेश्चन को सेकंड में उड़ाने लगे, 25 क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट में सॉल्व होगा। ये मेरा अनुभव नहीं, बहुत ही सारे टॉपर का अनुभव कहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको तीन बातें करना जरूरी है। इन बातें में सबसे पहले टेबल को आप 50 से 60 तक आप मुझे मानी फिंगर टिप्स कर लीजिए, उसके बाद स्क्वायर को 170 तक स्क्वायर के लिए याद कर लीजिए, क्यूब को आपको 30 तक रट्टा मारना है। इस क्वेश्चन को जब देखेंगे आपको इंग्लिश से पढ़ाते हैं, व्हेन 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 17, 5, 21 एंड y, द नंबर्स ऑब्टेन इन दैट ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्यायाम। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करने का, जब ये संख्या इतना दिया उसमें 7 जोड़ा जा रहा है, ये तो समानुपात में प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम में पढ़े थे, जब ये संख्या यहाँ पर कुछ दे देता 8 में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में आ जाए, तो उसी में आपको उसी का मान ये 7 दे दिया और एक नंबर इसमें गैप कर दिया, निकालने में कोई दिक्कत है बताओ? नहीं दिक्कत है, तो आपको निकालने के लिए समय नहीं लगना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्त, क्या करना पड़ता है, 17 में 7 जोड़ देंगे, अपन 5 में 7 जोड़ देंगे, फिर इक्वल टू करते हैं 21 में 7 जोड़ देंगे, फिर वाई में 7 जोड़ देंगे, यहाँ से हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा 21, 7, 28, 17, 7, 24, 7, 5, 12, 12, 9, 24, यहाँ से 2, यहाँ से कितना 14, वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7। अब बताओ, अब वाई के पावर 4/2 एक वाई वाई तो कैंसिल है, ये फर्जी दे दिया है कि नहीं दे दिया, फर्जी नंबर दे दिया था, ये एक्चुअल में मुझे निकालना था वाई क्यू अपन 2 निकालना था। अब बताओ 7 का क्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे बच्चों 343 होता है, अपन कितना 2, आप बोलेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 171.5। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन को कितना है सरलता से मैंने सोल्व किया, उसी तरह से आप भी करने को कोशिश करें। दी गई आकृति में सीडी एंगल एसीबी का एंगल बाइसेक्टर है, सीडी रेखा एबी को 2:3 में बांटता है, तो हमें त्रिभुज का भुजा की एसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो भुजा बीसी की लंबाई। आप यहां पर जब देख पा रहे होंगे, यदि कोई एक ट्रायंगल है ABC, AB, C और इसका एंगल बाइसेक्टर दे दिया है, ये कौन सी एंगल बाइसेक्टर, इस पे डी है, ये एंगल बाइसेक्टर जिसमें ए सी का लंबाई कितना है 15 और भुजा सी डी, अरे भैया सी डी ये जो है ना ए बी को 2:3 में भाग मार रहा है, तो मुझे बताना है ये इसका मान कितना हो जाएगा। यदि 2 का वैल्यू कितना 7.5, 2 का मान 15 तो 1 का मान 7.5, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 22.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस सेशन को सभी बच्चों के साथ शेयर होना चाहिए, इस वीडियो को ना कम से कम 500 व्यू जाना ही चाहिए और 100 लाइक पहुंचा दोस्त, समझ गए यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं इतना रात में, तो उससे कुछ होना चाहिए। अब यह दो ट्रायंगल जी एच जे में एच टी और जी एस दो माध्यिका है जो एक दूसरे को R पे 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, GS बराबर 40.5 सेंटीमीटर, JT बराबर 90 सेंटीमीटर, SJ की लंबाई। आप एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वेश्चन और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हिंदी में, समझे इन्हें, समझे समझ गए ना, आ रहा है समझ में है? एक दिक्कत आ रहा है, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कितना मजेदार है। देखिए ट्रायंगल, हम एक सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे, समझ गए चंदन, एक ट्रायंगल ले लिए और यहाँ पर हम H लिखेंगे, यहाँ पर G लिखेंगे, यहाँ J लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं
जे टी, जे टी ठीक है, और जी एस वो क्या है, माध्यिका है जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रही है, जिसमें जी एस कितना है हमारा, ये हमारा कितना दिया है 40.5 दे रखा है, और जे टी कितना है 90 दे रखा है। अब कोई भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल में एक माध्यिका खींचा जाए तो उसको 2:1 में बांटता है माध्यिका कोसाइन, तो ये 2 × 1 = 3 होगा। यहां से यहां तक 2 × 1 = 3 है, 3 का वैल्यू इतना दे दिया, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.5। हमें चाहिए किसका मान, किसका चाहिए, एस और जे का, ये वाला मान मुझे चाहिए, ये वाला, तो मुझे मतलब है इस भुजा और इस भुजा से मतलब है, इधर से कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब तक देखेंगे 40.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3:2 में ये बांट रहा है, 3 का वैल्यू इतना, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये भी 2:1 में बांट रहा है, 2 × 1 = 3, 3 = 90, तो 1 = 30, तो 2 = 60। अब आप यहां से देखेंगे ये हमारा बन गया, ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, तो 30 13.5, और इसको रेशियो ले लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 15 से काटे, 15 × 9 = 135, 15 × 6 = 60, 9 × 40 = 41 का ट्रिपगेट बन रहा होगा, बन रहा होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारा मान होगा, इसका मान 41 का कोई फैक्टर होगा, 41 का फैक्टर खोजेंगे, अगर नहीं पता है 41 का फैक्टर क्या करेंगे, 9 का वैल्यू कितना है 13.5, 13.5 कितना 15 × 9 = 135, 1.5 आपका आंसर ये होगा, इसका 1.1 का वैल्यू 1.5 होगा, 41 को आपको गुना करना है फिर 1.5 से, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर विल बी बी। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, और ये आपका रहा हिस्टोग्राम डायग्राम दिया है। और ये क्वेश्चन को फिर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा, एक्स वाई जेड के गुणनफल के 1/7 का मान बताना है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 को बाहर छोड़ देना है, 2 को जैसे ही आउट करेंगे ना, और इधर क्या बचा है नहीं बचा है नंबर में, डोंट थिंक अबाउट इट, ओनली फॉर फोकस ऑन एक्स वाई जेड, और जैसे ही आप एक्स वाई जेड को आप किस तरह से फोकस करना है, जैसे यहाँ 9x² है ना दोस्त, क्या है 9x², इसको लिखना है 9x² = 21x, लिखना है क्या लिखना है 21x, y² = लिखना है 5y, फिर जेड 16z² = लिखना है 12z, तो जेड बराबर आप लिखेंगे यहां से 12/16, y बराबर लिखेंगे आप 5, और x बराबर लिखेंगे 21/9। आपको पूछा है एक्स वाई के गुणनफल, एक्स का मान 21/9 इंटू वाई का मान 5, जेड का मान 12/16 का 1/7 इसका मान, तो 7 * 21 = 9, 3 * 12 = 16, ये हमारा आ गया 5/4, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर एंड हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, और इसके साथ मैंने क्या जीत लूंगा, एक स्टील कप हमने जीत लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हिंदी में गलत है, आपको इंग्लिश में करने की जरूरत है इसे। देखिए यहाँ पर कौन सा पार्ट अलग है, एक पार्ट छूट गया है, क्या है क्वेश्चन में, cos a अपन 1+cot a + 1 - cot a अपन cos a * sin a + cos a। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप थीटा उटा पुटा करने के चक्कर में, पुट करने के चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि तो ये क्वेश्चन जब आपको बेसिक से ही सेकंड में हो रहा है तो आप थीटा पुट करने के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, कुल्हाड़ी मारे क्वेश्चन में क्या हो गया, नंबर गवाएंगे, एक नहीं ढाई ढाई, अब तो ऐसा हो गया, एक क्वेश्चन गलत मेंस में 4 नंबर कट, फ्री में क्या हो गया, 1 नंबर गलत, 1 क्वेश्चन गलत, 2.5 नंबर कट, समझ गया नितिन, इसलिए सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से करना है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे, क्वेश्चन एक्चुअल में हमारा क्या है, क्वेश्चन एक्चुअल में मेरे पास क्या दिया हुआ है, cosec थीटा अपॉन 1+cot थीटा + 1 - cot थीटा अपॉन cosec थीटा इनटू sin थीटा + cos थीटा, दिस इज
दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्त, 1 cot θ, क्या मिलेगा 1 cot θ into cos1θ। अब ये वाला लाइन आएगा, जब इसको कर देंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा cos1² θ प्लस 1 cot²θ हो जाएगा। अब आप एक बात फॉर्मूला बताइए, cos²-cot²² कितना होता है 1, 1 इनको जुड़ कर कितना हो गया 2, तो आप यहाँ से देख पाएंगे 2 हो गया। तो इसको मैं मिटाऊंगा अभी, ये हमारा 2 हो गया, 2 अपन कितना 1 cot θ को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin लिख सकते हैं, इनटू इस cos1 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना ऊपर जाएगा तो sin हो जाएगा। अब इसको हम फिर भिन्न फर्दर भिन्न जोड़ करेंगे तो ये sin यहाँ आ जाएगा, ये हम ऐसे करेंगे sin, इसको ऐसे कर देंगे, फिर ये sin यहाँ आ जाएगा तो ये ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा कट गया sin θ + cos θ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 2 sin²θ और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ये दोस्त। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे और हमारे चैनल पर यदि आप हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो का कम से कम 500 व्यू जाना ही चाहिए। और हम अभी कुछ कराने वाले नहीं हैं आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम बहुत लंबा वीडियो बन रहा है दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो कम से कम 500 व्यू होना चाहिए और 100 लाइक होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे इसी वीडियो के यहीं पर, अंत करते हैं और नए सेशन के साथ आखिरी संडे को और अगले संडे को मिलेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा फिर से लाइव मॉक का एनालाइज, मैथ का सोल्यूशन बताएंगे। और यदि आपको लग रहा है मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उसको आप कमेंट बताइए और उसको हम कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने का और सुधारने का। और इसके अलावा यदि आपको ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आप इंग्लिश का भी डिस्कस कराइए, रीजनिंग का भी कराइए, जीके के भी कराइए, तो वी कैन ऑलवेज सर्विस फॉर यू। तो हमेशा मैं आपके लिए तैयार रहूँगा मेहनत करने के लिए और कुछ भी करें आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आने वाले हैं बहुत सारा वैकेंसी फिर से आने वाले हैं और अप टू डेट हो गया SSC इतिहास में। इस बार पहली बार हुआ है कि ये 8 महीने के अंदर में SSC CGL का फाइनल सिलेक्शन देगा, ज्वाइनिंग दे रहा है, तो इसलिए आप बैंक के जैसा ये भी फास्ट SSC होगा, पूरे तरोताजा जैसे आग की तरह काम कर रहा है SSC, तो आप भी उसी तरह से आपको तैयारी करना है। और इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।